वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। और आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम दो चीज़ें करते हैं, हम दो नात पेश की जाती हैं और आज चूँकि ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करेंगे तो ये सेगमेंट इसमें शामिल किया जाएगा। मौजूद मेहमान जो मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनका आपको तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अरहम हमदानी साहब जो कि नात खां हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं शेख इब्न यूसुफ अल मुअब्बर साहब जो कि माहिर ताबीरात हैं और जो ख्वाब आप लिख भेजते हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर हमें वक्त देते हैं और ताबीर बताते हैं आपको। सर अस्सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पहले चलते हैं हाफिज़ साहब की जानिब, शेख साहब फिर ख्वाबों पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब, मेरी उल्फत मदीने से मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कह कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और अर्शे आजम से जिस की बड़ी शान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, के ऐसा मोहल्ला मदीना मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। हाबी दो चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाबी दो चश्मे तर इल्तिजा है की फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, कि जिनका रोजाना जाना मदीने में है, कि जिनका रोजाना जाना मदीने मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। और जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जा साथ दिल भी गया साथ जा भी गई, मैं मुनीर
अब रहूंगा यहाँ किस लिए मैं मुनीरब रहूंगा यहाँ किस लिए क्योंकि मेरा सारा असासा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं के मेरा सारा सासा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। शेख साहब बहुत से ख्वाब हैं जो लोगों ने आपसे पूछे हैं जी और वसीला हम बन गए जी। हमें लिख भेजते हैं कि जी शेख साहब से ज़रा पूछते हैं जी। तो सर शामिल करते हैं पहला ख्वाब जी। बिस्मिल्लाह। मैं शादीशुदा दो बच्चों की माँ हूँ, उम्र 35 बरस है। मैंने ख्वाब में जन्नत देखी। जन्नत में हम तीन लोग हैं, मैं, मेरी वालिदा और मेरे वालिद। हम बहुत खुश हैं। फिर एक मर्दाना आवाज़ आती है और कहती है, ये तुम्हारा अजर है, अगर तुमने दुनिया में सर पर दुपट्टा लिया होता तो अजर और ज़्यादा मिलता। फिर मेरी आंख खुल गई, रहनुमाई फरमाइए जी। इन्होंने अपने वालिदैन का स्टेटस नहीं बयान किया कि वो हयात हैं या फौत हो चुके हुए हैं जी, लेकिन इनके खैर के जो काम हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अप्रीशिएट कर रहे हैं कि जब दीन पे चलोगे तो उसके बहुत ज़्यादा इनामात मिलेंगे। और आजकल के दौर में ये जो पर्दा है ना निज़ामी साहब, ये एक जिहाद है औरत के लिए कि पर्दे के अंदर ज़िंदगी बसर करना, नकाब के अंदर, पर्दे के अंदर और सर पर दुपट्टा रखना, ये दीन का शियार है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दीन के शियारात की हिफाजत करोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। माशाल्लाह इनकी हौसला अफजाई की जा रही है अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह। और इनको चाहिए कि ये पर्दे को लाजम पकड़ें और इस पर अमल करें और इसको फैलाएं और दूसरों को भी नसीहत करें कि पर्दे के साथ ज़िंदगी बसर करें। इस दौर में पर्दे के साथ ज़िंदगी बसर करना औरत के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इज्जत भी इसी में है। देखें जो चीज़ हिजाब में होती है, पर्दे में होती है, उसकी इज्जत, उसकी तौकीर और उसका जो सस्पेंस होता है, अट्रैक्शन, यस वेरी ट्रू, उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा, यस, अगर किसी ने अपना आप दिखा दिया तो मामला तो सारा नंगा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे को जो इज्जत दी है जी, ब्यूटीफुल, उसके ऊपर गलाफ डाला, ब्यूटीफुल पर्दा, ये अल्लाह ताला की इतनी अच्छी तख्लीक है और इसको पर्दे में रहना, इसी में ही इसकी इज्जत है, इसी में ही इसका वक़ार है। और दीन के इस तरह के शियारात की हिफाजत करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बहुत इज्जत और बहुत ज्यादा मकाम अता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, इसमें हौसला अफजाई आ रही है। ठीक है, वेल डिफाइंड सर, दूसरी ख्वाब है वो शामिल करते हैं। गैर शादीशुदा मर्द है और उम्र 23 साल बताई है इन्होंने। मैं तकरीबन एक साल पहले ख्वाब में देखता हूँ कि मैं चचा के घर के बाहर सड़क पर चल रहा हूँ, वहाँ पर मेरे चचा की बेटी सड़क के साथ बैठी थी। मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ तो पीछे से एक बकरी आती है और मुझे पीछे से टक्कर मारती है तो मैं आराम से गिर जाता हूँ। पीछे से मेरी कज़न चचा की बेटी हंस रही थी, हकीकत में उसकी मंगनी उसके कज़न के साथ हो चुकी है। उसका कज़न इस वक्त बहुत बीमार है, जनाब इसकी ताबीर बता दें। इस चीज़ का चांस तो था कि इसकी उधर ही मंगनी होती, लेकिन बाद में ख़ानदान के अंदर से ही कोई रुकावट पैदा हुई और जिसकी वजह से वहाँ इसकी नहीं हो सकी। और ये दोनों चाहते थे कि एक दूसरे के साथ हो, पसंद करते थे एक दूसरे। अच्छा, ये भी यार वो हंस रही है ना जी।
और ये उधर देख रहा है ना जी, इसमें दोनों की हम आंगी वो नजर आ रही थी। अच्छा, जो बकरी है वो खानदान की कोई औरत थी जिसने आकर उस चीज से हटाया और ये किसी दूसरी साइड पर ये चल पड़े रिश्ते के सिलसिले में, और उसकी अपने कजन के साथ हो गई और ये बेचारा अभी तक बगैर मंगनी के है। ठीक है, ठीक है, ये इशारे बस इस पर जी, ये बोले ठीक है। एक ऑडियो ख्वाब है जी, वो शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। प्लीज सुनाइए ऑडियो ख्वाब। अस्सलामुअलैकुम, मेरी उम्र 34 साल है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो बेटे हैं। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं घर की छत पे मुर्गियों को रोटी डाल रहा हूँ और उस टाइम पर एकदम से कोई एक बड़ा सा परिंदा जो है पर फैलाए मेरी तरफ आता है आसमान से, और वो मेरी छत पे आके उतरता है। जैसे ही वो मेरी छत पे उतरता है तो वो एक इंसान की शक्ल में एक इंसान बन जाता है, और वो जैसे इंसान की शक्ल में आता है तो वो एक फ़कीर की तरह से बिहेव करके मुझसे अल्लाह के नाम पे कुछ मांगता है, ये कहते हुए कि इनको खिला रही हो, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। मैं घबरा जाता हूँ उसको देख कर के जैसे वो परिंदे से इंसान बनता है, और मैं फ़ौरन नीचे चला जाता हूँ, और नीचे जाके मुझे ख्याल आता है मेरी मुर्गियाँ ऊपर रह गई हैं, ये कहीं उनको नुकसान ना पहुँचा दे। तो इसी परेशानी में मेरी आँख खुल जाती है, बराए करम इसकी तबीर बता दें। वालिदैन की सेहत की ख़ास हिफाजत करें, वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, उनमें से कोई बीमार है। ये जो परिंदे से इंसान बना ये फरिश्ता है, और आपके घर में आप अपनी बहन, आपके घर में बहनें हैं आपकी, ये जो मुर्गियाँ ही आपकी बहनें हैं, आप उनका एहसास कर रहे हो और उनकी ज़िम्मेदारी भी संभाल रहे हो। इसी तरह अगर वालिदैन बीमार नहीं हैं तो कोई और ज़रूर है, उसकी सेहत का ख़ास ख्याल रखें जी। यही है बस आपके ख्वाब की तबीर में। ठीक है शेख साहब, आगे ख्वाब है, काफ़ी लंथी है जी। शामिल करते हैं, शादीशुदा औरत है, 45 ईयर्स, 45 साल एज बताई है इन्होंने, और बच्चों का नहीं इसमें लिखा जी। लिखती है, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं और मेरे शौहर कहीं जा रहे थे, घर से निकलते ही आटे वाली चक्की की दुकान के अंदर चले गए, चक्की आटा निकाल रही थी, पास और लोग भी खड़े थे, आटा लेने के लिए हम 2 मिनट रुके फिर वहाँ से चले गए किसी के घर। वहाँ मैंने लड़की पसंद की अपने बेटे के लिए, मैंने एक औरत से रिश्ते के लिए बात की और हम घर आ गए। बाद में पता चला कि उनके घर रिश्ते की बात फैल गई है और ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने रिश्ता मांगने का बुरा मना लिया है, फिर खुद ही पैगाम भिजवाते हैं कि आकर रिश्ते की बात पक्की कर लो। अचानक खबर मिली कि मेरे शौहर वफात पा गए हैं, मैं बहुत रोती हूँ। फौतगी का सुनकर हमारे घर कोई भी नहीं आता, ना रिश्तेदार, ना मेरे भाई बहन और ना मोहल्ले वाले। मैं देखती हूँ, पैदल जा रही हूँ कि रास्ते में मेरी फूफो मिलती हैं, मुझसे बात करती हैं, पर मेरे शौहर का अफसोस नहीं करती। घर आकर मैं बहुत रोती हूँ, बच्चे मेरे पास खड़े होकर मुझे देखते हैं खामोशी से, लेकिन बाप का सुनकर रोते नहीं। पास ही बड़ा बेटा भी खड़ा होता है जो कि 23 साल का है, मुझे देखकर वो ऐसे मुंह बनाता है जैसे बाप के मरने का सुनकर उसे खुशी हुई हो। मैं दीवार के साथ माथा लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ लेकिन बात नहीं करती, बराह करम इसकी ताबीर बयान कर दे। इस ख्वाब का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ख्याली है। अच्छा, एक तो वो रिश्ते के सिलसिले में ये अपनी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, जहाँ इनको इनका दिल करता है ना वहाँ बात करने को, वहाँ एक डर और खौफ सा पैदा हो जाता है कि वो इनकार ना कर दें जी, या उनको बुरा ना लगे, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और आगे रिश्ता होता भी नज़र आ रहा है, जो खामद की फौत है वो रिश्ता होना है आपकी तबीर में, और आगे कुछ प्रॉब्लम भी है जिसका इनको जो दिलासा है वो उस सिलसिले में जो हौसला है वो इनके भाई से इनको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर इसमें ख्यालात जी, ज़्यादा बाकी जो इशारात थे वो आपने जी जी बिल्कुल ठीक है। आगे ख्वाब है जी के, मर्द हैं, उम्र 25 साल है, शादी को 1 महीना हुआ है। लिखते हैं, मैं ख्वाब में अपने दादा जान के घर एक खजूर का दरख्त देखता हूँ, हकीकत में वहाँ सफ़ेदे का दरख्त मौजूद है। मैं खजूर पर छोटे और बड़े शहद के छत्ते देखता हूँ, छोटा शहद उतार लेता हूँ, बड़ा उतारने लगता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है, बराहे करम ताबीर बता दें। एक तो इनके रिज़्क के मामलात बेहतर होंगे और एक इंशाल्लाह जल्द प्रेगनेंसी होगी, और फिल वक्त इनकी जो लाइफ है उसमें 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं इनके, वो चाहे वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनकी लाइफ में वो नज़र आ रहे हैं। ठीक, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ में 2 ही होंगे। ठीक है, ठीक है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इस ख्वाब में वो 2 नज़र आ रहे हैं।
ठीक, तो इनकी इसमें खुशखबरी है कि इनकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सिलसिले में इन पर नेमत नाजिल करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा यानी खुशाइंद ख्वाब। जी 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 ठीक है सर, एक ऑडियो ख्वाब और शामिल करते हैं। जी प्लीज सुनाइए ऑडियो ख्वाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं मोहम्मद मुस्तकीम, मेरी उम्र 29 बरस है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है और दूसरे का नंबर है इंशाल्लाह। शेख मोहतरम, मैंने एक ख्वाब देखा है कि सऊदी अरब के एक जाने माने शख्सियत और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाखून को मैं काट रहा हूँ नाखून कटर से, तो नाखून बड़ा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी मैं नाखून कटर के हिस्से से मैं उसको नाखून खींच दे रहा हूँ। उसके बाद उनके बालों पर कंघी कर रहा हूँ मैं, उसके बाद ख्वाब भूल गया शेख में। और इन्हीं के मुतालिक दो चार माह पहले देखा था ख्वाब में, वो ख्वाब तो बिल्कुल ही याद नहीं है शेख, लेकिन शख्सियत यही थी। बराए मेहरबानी इस ख्वाब की ताबीर बता दें आप। ये मुस्तकबल में आपका जो फ्यूचर है वो अरब कंट्रीज़ में नज़र आ रहा है और आप किसी बहुत अच्छे मनसब पर जो है वहाँ पर जाएंगे और उस मनसब पर आप फाइज होंगे और वो जो मनसब है वो होगा खिदमत का ही, लेकिन बड़े जो किसी बड़े आदमी की खिदमत का जो मनसब है उस तरह का होगा। आपको अरब कंट्रीज़ में होना चाहिए था, लेकिन आपने ये जो अपने मुल्क में रहते हुए ये ख्वाब देखी है, मैं इससे हैरान हो रहा हूँ। या ये कि आपने इस्तखारा किया है इस सिलसिले में, या आप किसी अरब कंट्रीज़ में जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आगे आपके लिए कोई खैर काउंसलर ही नज़र आ रहा है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आगे काम काज के सिलसिले में, रोज़ी के सिलसिले में आपकी लाइफ में बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है, इंडिया से बेसिकली ये थे जी, तो आप यहाँ से देखें शेख साहब की व्यूअरशिप कहाँ कहाँ तक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं, पसंद करते हैं। जी वो बहुत ज़्यादा है, इतनी दुनिया में ये जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर पैगाम टीवी से जो लोग लिसनर हैं वो देखते हैं। जी वो मुझे कॉल करके वो पूछते हैं कि मैं फलाम लोग से, मैं फिर उनसे पूछता हूँ आपने कहाँ से मेरा नंबर लिया, कहते हैं हमने पैगाम टीवी से ही आपको देखा और वहीं से आपका नंबर लिया। तो आपने माशाल्लाह बहुत दुनिया है जो देखने के लिए। इवन के शेख साहब हमारे पास जो रिटर्न होते हैं इसमें कई ऐसे इंटरनेशनल लोगों की ख्वाब हैं के ख्वाब हैं जो कि हम शामिल करते हैं, तो ये मोहब्बत है। जी जी कोई शक नहीं, ठीक है, और आपसे भी मोहब्बत है डेफिनेटली। जी जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। अच्छा सर, आगे एक रिटर्न ख्वाब और शामिल करते हैं। शादीशुदा औरत है, औलाद नहीं है इनकी, कहती हैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे यहाँ एक खूबसूरत बच्ची की पैदाइश होती है, मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ और बहुत खुश हूँ, इसकी ताबीर जाननी है उन्हें। इसमें अगर इनकी कमेटी नहीं निकली या इनके पास पैसे नहीं आए इस महीने दो महीने में, तो फिर इस चीज़ का इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर अपना करम करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, और ये मतलब अच्छी ख्वाब है क्योंकि या रिज़्क है या औलाद है, औलाद है, इनमें दोनों चीज़ों के ऑप्शन मौजूद हैं और दोनों चीज़ें खुशखबरी वाली, दोनों चीज़ें खुशखबरी वाली हैं। और मैंने कहा अगर पैसे नहीं आए तो औलाद आना कन्फर्म है। आगे लिखते हैं जी, 37 साल शादीशुदा औरत है, लिखती है मैंने ख्वाब में अपने महके में एक नया घर देखा जिसमें 3-4 कमरे हैं, मैं और मेरी भतीजी घर सेट करती हैं, मैं एक कमरा अपनी भाभी के लिए तैयार करती हूं कि उनकी चारपाई यहां रखूंगी जो कि पहले से ही वहां मौजूद होती है, फिर मैंने दाने डालने वाले 3-4 ड्रम देखे जिन्हें मैं साफ करती हूं, बराह करम ताबीर बता दें। उनके पास रिज़्क आएगा, रिज़्क के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, जैसे इन्होंने घर देखा और उस घर के कमरे कई हैं, ठीक है। अमूमन घर में जो घर की जो ताबीर होती है वो कब्र होती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है क्योंकि ये घर के 4 कमरे हैं जी, तो इसका मतलब कब्र नहीं है बल्कि वसत रिज़्क है। अच्छा, 4 कमरों वाला जो घर होता है वो क्या होता है इस दौर में जी, आम इंसान के लिए जी ब्लेसिंग है। और फिर ये क्या कर रही हैं, वो क्या साफ कर रही हैं, वो दाने डालने वाले ड्रम, रिस्क डालने वाले जी जी जी, तो इसका मतलब कि इनके पास रिज़्क की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इंशाल्लाह और ये अच्छी ख्वाब है। ठीक है, एक ऑडियो ख्वाब और शामिल करते हैं। जी प्लीज सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र 35 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। ये ख्वाब मैंने अपनी टीन एज में देखा कि मैं चारपाई पे लेटी हुई हूँ और आसमान की तरफ देख रही हूँ, आसमान हल्के या गहरी सुरमई
रंग के बादल हैं और नीला आसमान है और उसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत खताती में कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं और मैं उनको तलावत कर रही हूँ और मुझे याद नहीं है कि वो कुछ सूरत कौन सी है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में। और मेरी, मैं वैसे हकीकी ज़िंदगी में कोई मुझे तलावत करनी नहीं आती, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ख्वाब में मैं इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में उसको तलावत कर रही हूँ और उसको तलावत करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये वो ख्वाब है कि जो आज भी मुझे याद है और मैं भूलती नहीं हूँ इस ख्वाब को, तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिए। ये टीन एज में आपका चारपाई पर लेटे होना, उस वक्त आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, बीमारी थी कोई, फिर आपने जब आसमान की तरफ देखा तो उसका कलर बहुत अच्छा था, नीला था, बहुत अच्छा था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उस बीमारी, उस प्रॉब्लम से आफियत से नवाजना था। और आगे जो आप तलावत कर रही हैं, और जबकि रियल लाइफ में आपको तलावत करना नहीं आती, ये वो शादी थी जो आपकी अच्छी जगह पर होनी थी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए वो असबाब पैदा किए, यानी कि बीमार थी, अल्लाह ने बीमारी से आफियत दी, सेहत दी, और फिर शादी के जो मामलात हैं वो अच्छे हुए और ये अच्छी लाइफ में जाने का इशारा है इसमें। और इसमें अल्लाह की तरफ से हौसला है कि वो जो प्रॉब्लम है उससे आप निकलेंगी, आगे फ्यूचर बेहतर होगा, सेहत आएगी, अच्छा खामद मिलेगा, अच्छा शरीक सफ़र, उसके साथ जो लाइफ है वो भी अच्छी बसर होगी। ये सारे इसमें इशारे हैं। इन सब चीज़ों की ये जो हिस्से हैं ख्वाब की तबीर के, ये जो सारे हिस्से हैं इनकी तबीरें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी हुई हैं। जब आप गौर करेंगी तो एक एक चीज़ की तबीर पूरी हो चुकी है। आपको ये अंदाज़ा होगा कि जिन दिनों में या जिन सालों में आपने ये ख्वाब देखी थी उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम थी मेडिकली, अल्लाह ने आप पर कितना करम किया, सेहत दी, तंदुरुस्ती अता की, खुशियाँ दी, अच्छा शरीक सफ़र दिया, अच्छी लाइफ दी, और फिर दीन, अच्छा दीनदार खामद अता किया। ये सारी आपकी आपकी ख्वाब की तबीर में ये सब कुछ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी ख्वाब है माशाल्लाह। शेख साहब, ब्रिटेन ख्वाब एक और शामिल करते हैं। 24 साल उम्र है, गैर शादीशुदा खातून है। मैंने देखा मेरी नानी और नाना जो वफात पा चुके हैं मुझसे चीनी मांग रहे हैं और मैं उन्हें चीनी लाकर दे देती हूँ। बस इतनी सी ख्वाब है और ताबीर जाननी है। ये जो नानी नाना है ना, ये दुआओं के मोहताज हैं कुछ। अच्छा, कुछ दुआओं के मोहताज हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कुछ दुआओं के मोहताज हैं वो। तो इनको, इस बच्ची को ही ख्वाब में मिलकर उन्होंने क्यों चीनी मांगी? जी, क्योंकि इसके अंदर एहसास है, इस बच्ची के अंदर। अच्छा, और ये एक जिम्मेदार है और ये उनके लिए दुआएं ऑलरेडी कर रही है, दूसरों को नहीं मिली है, इसी को मिली है। इसके साथ उनकी अटैचमेंट भी ज़्यादा थी, और दूसरा इसको मजीद दुआएं उनको भेजनी चाहिए, अपने नानी नाना को। ठीक है, ठीक, ये इस चीज़ का इशारा आ रहा है इसमें। ठीक है, आगे ख्वाब है जी। 27 साल खातून हैं, डिवोर्स्ड हैं और एक बेटी है इनकी। लिखती हैं, मैं ख्वाब में अपने चचा के बेटे को देखती हूँ, उसकी उम्र 18 साल है, वो बकरे के पाए बना रहा है। मैं उसे कहती हूँ कि मुझे भी दे दीजिए, तब वो कुछ सालन मुझे भी भिजवाता है। फिर मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे भूख तो नहीं थी, मैं बस देखना चाहती थी कि आप सालन कैसा बनाते हो। ये जो खातून लड़की है, ये थोड़ा सा ना इस पर ख़ानदान वाले, इसके जो जिन हादसा से गुजरी है वो इस पर तर्स खा रहे हैं, रहम कर रहे हैं। अच्छा, कि ये हालत गम में है, ये वो सारा कुछ। लेकिन इसके अंदर, इसकी लाइफ में चूँकि ये जो तलाक का हादसा हुआ, डिवोर्स का जी, उसके बाद इंसान को चाहिए कि वो दूसरों को ना आजमाए नहीं। अच्छा, कई दफ़ा एक इंसान, अगर मैं जी आपको आजमाना शुरू कर दूंगा जी, तो दो ही ऑप्शन है, या ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे जी, या ताल्लुक रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी लाइफ में पहले ही तनहाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, तो इसको क्या ज़रूरत है कि दूसरों को आजमाए ताल्लुक। अच्छा, में कि ये मुझे, इसके अंदर मेरे लिए एहसास है नहीं है, ये ज़रूरत क्या है। इसलिए इसको ना अपना जो रवैया है उसको चेंज करना चाहिए और हर एक के साथ मुस्बत रवैये से, मुस्बत तरीके के साथ पेश आना चाहिए। ये किसी को आजमाना, ये वो, ये सारी कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी अपनाएं जी, नेगेटिविटी ना अपनाएं जी। जी, ठीक है, ठीक है। आगे एक और ख्वाब है सर। रिटर्न में शादीशुदा औरत है और साहिब औलाद हैं,
उम्र नहीं लिखी इन्होंने, ना ही बच्चों की क्वांटिटी बताई। ख्वाब में मेरी मरहूमा वालिदा एक चारपाई पर बैठी हैं और पास एक बिल्ली बैठी है और एक अजीब शक्ल वाला काले रंग का सांप है। बिल्ली सांप को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो मरता नहीं। मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि बिल्ली को भगा दें। वो कहते हैं कि वो सांप मार रही है। फिर वो सांप मेरी तरफ आ जाता है, मैं उसका गला दबाने की कोशिश करती हूँ तो आँख खुल जाती है। इनकी जो वालिदा ना फौत होने से पहले बहुत सख्त बीमारी काटी थी उन्होंने। अच्छा। और कुछ रूहानी प्रॉब्लम भी थी, वो रूहानी प्रॉब्लम की वजह से ये हालात के साथ ये बहुत लड़े थे। और इनकी जो बहन है या इन्होंने खुद अपनी वालिदा को बहुत ज़्यादा संभाला था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है बिलाखिर वो गालब आ गई और वो मौत का बाइस बनी। जानलेवा साबित हुई। वालिदा रूहानी तौर पर प्रॉब्लम में थी और वो मेडिकली तौर पर भी उन्होंने मुश्किल वक्त काटा, बीमारी काटने के बाद फौत हुई। अल्लाह अकबर। और ये उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और ये इंसान को जैसा करना चाहिए ना इस सिचुएशन में, जैसी जद्दोजहद करनी चाहिए उस प्रॉब्लम की तदारक के लिए, वो नहीं है, वो नहीं हो पाई। अच्छा। ये बस ये चाह रहे थे कि हालात इस तरह के हो जाएं कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं, इनकी तरफ से वो जो प्रॉपर एफर्ट है वो नहीं हुई, होनी चाहिए थी, इसमें ये चीज़ का इशारा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक ऑडियो ख्वाब जी और शामिल करते हैं जी, प्लीज सुनाइए ऑडियो ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज कौसर है, मेरी उम्र 38 साल है और अक्सर मैं ख्वाब देखती हूँ कि मैं उसमें गुम हो जाती हूँ और मैं रास्ता भूल जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रास्ता तलाश करने की मगर मुझे रास्ता नहीं मिलता और इसी खौफ से मेरी आँख खुल जाती है और ये ख्वाब मुसलसल मुझे बहुत साल से आ रहा है। प्लीज़ मुझे इस ख्वाब की तवील बता दें, रहनुमाई कर दें, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। ये जो ख्वाब आपने सुनाई है, असल में बात यह है कि आप गलतियाँ करती हैं और आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं घर बार के मामलात में, कई चीज़ों में। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एहसास पैदा होता है अपनी गलती पर, आपको बहुत ज़्यादा नदामत होती है और आप सही ट्रैक पर फिर चलना चाहती हो, लेकिन वो जो पहले मिस्टेक है वो हो चुकी होती है। आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में मिस्टेक होने से पहले मामलात पर नज़र रखें। आपको जो एहसास पैदा होता है या गलती की नदामत होती है, ये सारा कुछ वो गलती होने के बाद होती है। आपको चाहिए कि गलती होने से पहले अपने आप पर कंट्रोल रखें। गुस्सा भी आता है आपको, खौफ में भी मुब्तला हैं, टेंशनों में हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं आपकी लाइफ में। आप अपना कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करें और गुस्से की वजह से कोई गलती ना करें, वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आप ऐसे करें कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ा करें ताकि आपके दिमाग का जो कंट्रोल है वो शैतान के पास जाने के बजाय आपके पास आए, ताकि आप मिस्टेक ना करो और मिस्टेक करने से बच सको। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और जब आप ये तहफ़्फ़ुज़ पढ़ेंगी तो ये बार बार पढ़ने के बाद आपने अपने दिल पर थूकना है, उससे यह है कि आप वसवसों और खौफ से निजात पाएंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है शेख साहब, एक और ऑडियो ख्वाब है वो भी शामिल करते हैं जी, प्लीज सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और उम्र मेरी 40 साल है। 1.5 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई है और मैंने 7 माह पहले एक तलाक याफ्ता औरत से शादी की है। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने एक पठान है, वो बूट वगैरह बेच रहा है, जैसे वो रेहड़ी पे बेच रहे होते हैं। तो मैंने उससे शूज़ खरीदे हैं जो काले रंग के हैं, तस्मे वाले हैं, लेकिन उसके अंदर तस्मे नहीं है और ना ही दुकानदार ने मुझे तस्मे दिए और ना ही मैंने उससे मांगे और ना ही मैंने वो बूट को पहन कर चेक किया कि साइज़ मुझे पूरा है कि नहीं पूरा। मैं वैसे ही शूज़ लेके गारा आ गया हूँ और मैंने खुद से भी बाज़ार से तस्मे नहीं ख़रीदे और मैं वैसे ही शूज़ बगैर तस्मों के पहन के अपने काम के लिए कभी यहाँ पर जा रहा हूँ, कभी वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं भी अगले दिन मैं ऑफिस जाता हूँ बगैर तस्मों के। तो मैं अपने जो कुलीग है उसको दिखाता हूँ कि यार देखो मैंने ये शूज़ लिए हैं, वो शूज़ देखकर मुझे कहता है यार ये तुम्हारे शूज़ जो है ना ज़्यादा पायदार नहीं है, ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार ये हाँ मैंने भी सस्ते से शूज़ खरीदे हैं, ठीक है यार जितना अर्सा चलते हैं चलाऊँगा, पर जब ख़राब होंगे उसको फेंक दूँगा।
तो बराए मेहरबानी इसकी मुझे ताबीर बता दें। असल में आपकी लाइफ जिस तरह की है, आपका स्टेटस जिस तरह का है, ये जो आपने जो नई शादी की है, इसमें जो जोड़ है, अच्छा कोई भी चीज़ जो है शादी के सिलसिले में लड़की और लड़के का जोड़ का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही हिदायत है कि जब लड़की और लड़के का जोड़ मैच कर जाए तो उनकी शादी कर दिया करें। अब आपकी बीवी की डेथ के बाद आपने ये जो शादी की है, ये असल में जोड़ मैच नहीं कर रहा था, आपने ये जल्दी में फैसला किया है और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं आपने इग्नोर करते हुए जल्द फैसला करके कुछ जोड़ के मैच होने में कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है और ये जो बंधन है आपका, इसको आपको चाहिए कि मजबूत करने की कोशिश करें। ये जो शादी आपने की है, इसका जो बंधन है ना मियां बीवी का और मियां बीवी के आपस के ताल्लुकात का, वो मजबूत नज़र नहीं आ रहा। आप उसको मजबूत करें। जूता बगैर तस्मे के वो बीवी होती है जो आप उसके साथ हम आंगी में, उसकी आपके साथ और आपकी उसके साथ हम आंगी में कमी होती है और वो रिश्ता और वो ताल्लुक मजबूती के लेवल तक नहीं पहुंचा होता। बगैर तस्मे के जूते की ये तबीर होती है। आपको चाहिए तलाक वाले मामलात से बचने के लिए अपनी बीवी के साथ हम आंगी पैदा करें और एक दूसरे के साथ ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाए। जी ठीक है शेख साहब, जितने ख्वाब थे तकरीबन हमने सब शामिल भी कर लिए जी। और अभी जैसे आप बता रहे थे ना, तो मुझे पूरा एक रिवाइव हो रहा था कि आपकी सोबत में बैठ के हम क्या सीखते हैं हर प्रोग्राम में, या प्रोग्राम के अलावा भी जब हम बैठे होते हैं तो वो चीज़ें जाके मैच कर रही थी। तो ये आपकी सोबत का असर है कि जैसे आपने जूतों के बारे में बताया, वो कंपैटिबिलिटी मुझे लग रहा था कि इन खातून के साथ शायद इनकी ना हो ख्वाब में, तो आपने एग्जैक्ट वही फरमाया। देखिए निज़ामी साहब, आपको फिर ये बातें समझ आ जाती हैं। हालांकि जिस इंसान का निज़ामी साहब अपनी बीवी के साथ प्यार इतना ज़्यादा हो, उसको इतनी ये बातें समझ नहीं आती हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आपका अपनी बीवी से हद से ज़्यादा प्यार है। जज़ाकअल्लाह। और आज तक आपने ये बात मुझे बताई नहीं और ना ही आज तक आपने कोई मुझसे ख्वाब पूछी है। शेख साहब, अब ये स्क्रीन पे करने वाली बातें नहीं है, ऑफ द स्क्रीन बातें करेंगे डेफिनेटली और फिर बहुत सी करेंगे। जी ठीक है। ले जी, इसके साथ ही चूंकि वक्त खत्म हो गया शेख साहब, तो एक आप लगाते हैं अभी तक के लिए। हम नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ले जी, प्रोग्राम का अख्ताम हो गया और एक चीज़ जाते जाते मैं यहाँ कहता जाऊँगा कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म मिलता है, तो वो ऐसी चंदे की शख्सियात होती हैं जिनके नसीब में आता है। और आप यकीन करें, जब ख्वाबों की ताबीरों के हवाले से शेख साहब से भी गुफ्तगू हो रही होती है, तो फिर वो चीज़ें इनकी सोबत में बैठ के ऐसी सीखने को मिलती हैं कि अब आपको ख़ुद भी समझ लगनी शुरू हो जाती है कि लगता है इसमें ये बात है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें उन चीज़ों के बारे में इल्म हो गया, हम तो सिर्फ तालिबे इल्म हैं जो ऐसी शख्सियात से बैठ के सीखते हैं। तो इसी नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। नवीद निज़ामी और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।